देशरे सहरीकरण संकट एक जातीय समस्या भावे उभा हेलाणी। द्रुत सहरीकरण सहित अनेक असुविधा समांतरल भावे आगको आसुछि। विशेषकर सहरें ड्रेनेज व्यवस्था बड़ बड़ मेट्रो सिटी भी जलबंदी भली परिस्थिति सृष्टि करुछि। असराय बर्षे दिल्लीर लुटियंस जोन नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, चाणक्यपुरी, फिरोज शाह रोड, शाहजा रोड, अशोका रोड प्रभृति में पानी पशि थाए। एपरिक साउथ दिल्लीर साकेत मालवीय नगर अंचल समय पाने जावा करने छोट छोट डंगार व्यवहार कराए। पुणा दिल्लीर अवस्था न कहवा भल, बास्तव में कहवाक गले ड्रेन निर्माण हो निर्मित ड्रेन एक प्रकार पोती हो जाए। खाली राजधानी दिल्ली नुहे, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई भली मेट्रो सिटी में वर्षा दिन में कृत्रिम बन्या और ट्राफिक जाम एक नीतिदिनिया कथा हो गला। 70 मसीहा 80 मसीहा आगर कि इवेन 90 मसीहा आगर लोक कहते भुवनेश्वर एत समस्या हो नाला। तार कारण हूँ भुवनेश्वर मध्य बहुत जगह खाली था सनसटी एरिया जोटा कि आम अर्बन प्लानिंग कहते सिटी स्पंजेज। ये स्पंजेज जोटा कह सरकारी स्तर था बेसरकारी स्तर था। बर्तमान कौन अच्छी मानते विभिन्न समय जो मानते आजिकल जो फाइनेंशियल मार्केट एत साउंड है रियल एस्टेट मार्केट जो है सो बहुत जगह जो ओपन स्पेस अच्छे से सब बर्तमान रियल एस्टेट कन्वर्सन हो सारा। आउ जो सरकारी जगह अच्छे सरकारी जगह किए स्लम हो कि किए बेंडिंग जोन हो कि विभिन्न उपाय अकुपाय कर सारे फलस्वरूप कौन अच्छे पानीर आज किसी रहीबार स्कोप नहीं। सो पानीटा गोटे फ्लो में मुव होती फ्लो में मुव कला कौन हो आपण जो कंक्रीट चादर पकईंट रास्ता पर जो पेपर के जो करते पा पशी धीरे धीरे स्लो हो देखिए दुईटा पचेरी मधे आज देखिए 70 मसीहा 80 मसीहा लोकर घर पचेरी नाला सब अमरीपोई अमरीबाड़ी ये सब बाड़ी में गच्छ गुड़ा था बर्तमान सब कंक्रीट हो गोटे गोटे जगह देखिए दुईटा कंक्रीट मतलब छात्र जो पा आसूँ सी एक गोटे गोटे पर्टिकुलर अधा घंटे गोटे जानते नदी भाया करदे मैं सेटा किसी ड्रेन नो कि नो कि गोटे आर्टिफिशियल हो जाए। भुवनेश्वर सहर में कृत्रिम बन्यापाई मेगा रेसीडेंशियाल प्रकल्पर भूमिका नहीं मध्य प्रश्नवाची सृष्टि होती। दूरदृष्टि अभाव किंवा अधिक लाभ आशार रियल एस्टेट डेभलपर मैंने प्राकृतिक जल प्रवाह को रोकवा किंवा निज प्रकल्पुर निर्गत जलर उपयुक्त ट्रिटमेंट करोग जहां परवर्ती समय सहरांचल जलबंदी परिस्थिति सृष्टि कर सहर से जलाशय को पोती जदि सेठे कोठा निर्माण होस्तार पा भर भी स्वाभाविक। जितेबले जो जगार नुआ कर गोटे सैटेलाइट टाउनशिप हम आप सैटेलाइट टाउनशिप क्या कहते सैटेलाइट टाउनशिप प्रथम काम अंडरग्राउंड जोटा मुझे कहली स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज माने 10-15 फुट तलू मटी तलू गोटे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हो जो कि पा सोक करके नहीं चल जाने पा मानने मटीटा ग्राउंड लेवलटा जमा उदार रोन फंडामेंटाल जिनसा सेटा होची स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज निहाती करया दरकार ए माने जम्मा करना थी जगह इकट्ठा होने की जगह को कहते थे तालाब। अब तालाब पे बन गई बिल्डिंग, अब वो पानी उस बिल्डिंग में भरता है तो बारिश के पानी को तो नहीं पता कि अब बिल्डिंग बन गई है यहाँ पे, वो तो अपने कैचमेंट एरिया में ही जाएगा, वही एक प्रॉब्लम है। तो हमें उस बिल्डिंग को हटा के वहाँ तालाब बनाना पड़ा। बन्या समस्या को दूर करने प्राकृतिक जलाशय पुनरुद्धार ड्रेनेज भित्तिभूमि उन्नति आणवा और स्थायी टाउन प्लानिंग योजना को कार्यकारी करिबा हेउची एकमात्र गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। सेपरि सहर रे ड्रेनेज सिस्टम रो नवीकरण करिबा एवं कोठर बिल्डिंग कोड लागू करिबा पई आमे एक व्यापक योजना उपरे कार्य करिबा को कर्तृपक्ष ध्यान देबा आवश्यक। जो ड्रेनेज सिस्टम भुवनेश्वर जो नेचुरल ड्रेन रास्ता जाईतला प्राकृतिक उत्स ताकु बतान आमे जो वर्षा जल पई ताकु ड्रेनेज सिस्टम कर देइछु से जो ता नेचुरल सिस्टम को रिभाइव करार अच्छी कारण से तो चौड़ा कर पारे लोक जगह नहीं सारे तेणुक तार आखपाख एरिया आमको नेचुरल कूव या मैं आर्टिफिशियल कूव या जोटा कि आम कहे जियोग्राफिकल एरिया एक्वीफर से कले कौन हम कि भितर गुड़े समय पा जाकि रहा दरकार अच्छी मानते भुवनेश्वर को आम हिसाब करार अच्छी धर आम 100 80 ml कि 30 ml कि 40 ml यक समय ये वर्षा आपको संभाले पा कौट रखा तापाई आमको आर्टिफिशियल किसीटा वेल क्रिएट करा पड़ो। धीरे धीरे भुवनेश्वर कृत्रिम बन्या भली समस्या एक बड़ समस्या पलटिगला। आगामी दिन में यार समाधान दिगरे उचित पदक्षेप निया नगले आगामी दिन में राजधानी जे बुड़ीजीव एथिरे संदेह नाही। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन रश्मि क्षीरचंद्र पाढ़ी रिपोर्ट कनक न्यूज़।